आपको पता है कि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत से क्वेश्चन बाकी हैं। तो चलिए, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर पर ही आधारित कुछ और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिनको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। याद होगा, दो लेक्चर हमको लग रहा है कि लगभग फर्स्ट ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे, लेकिन अभी इसमें बहुत से क्वेश्चन बाकी हैं, तो आगे के प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनने का, समझने का प्रयास कीजिए। यकीनन सबको इस पढ़ाई का फ़ायदा मिलेगा यदि आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं तो। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए ही नहीं, चाहे मेडिकल का एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स, नेवी यानी जनरल कंपटीशन का भी एग्ज़ाम है, तो इन सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। क्योंकि आपको पता है कि आर्ट के क्वेश्चन तो सभी लोग रट लेते हैं, लेकिन साइंस ही है जो आपके सिलेक्शन को निर्धारित करता है। समझने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही समझ में आएगा। तो आप लोग की समस्याओं के समाधान के लिए ही हम इस साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो सभी लोग ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने माइंड में इसको सेट करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दिया गया है 8 किलोग्राम और 12 किलोग्राम के दो गुटकों को किसी हल्की अवितान्य डोरी से जो घर्षण रहित घिरनी पर चढ़ी है कि दोनों किनारों से बांधा गया है तो निकाय का त्वरण होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है G/4, दूसरा है G/5, तीसरा है G/8 और चौथा है G/6। तो भाई, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा इसके लिए तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। लेकिन उससे पहले आप लोग चित्र में भी देख रहे हैं कि यहाँ 8 किलोग्राम और 12 किलोग्राम द्रव्यमान के दो ब्लॉक हैं और एक घिरनी है, और ये एक डोरी से बंधे हुए हैं तथा यह डोरी घिरनी के ऊपर से होकर जा रही है और इस प्रकार से गति हो रही है। क्योंकि 12 किलोग्राम द्रव्यमान वाला भारी है तो वो नीचे जाएगा, और 8 किलोग्राम द्रव्यमान वाला हल्का है तो वो ऊपर जाएगा। यानी इनकी गति को भी आप लोग चित्र में देख रहे हैं। तो आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होता है तो फॉर्मूला लगता है, एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू नेट हैंगिंग वेट बाई टोटल मास। तो भाई, यहाँ पर नेट हैंगिंग वेट का मतलब क्या हुआ? एक ओर का कुल भार, दूसरी ओर का कुल भार, और बड़े भार से कम भार को घटा देंगे तो इसी को बोलते हैं नेट हैंगिंग वेट। और भार का मतलब तो आप समझते होंगे, m इंटू g। तो चलिए, हम लोग फार्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, बड़े वाले को हम लोग m2 मान लेते हैं, तो m2 इंटू g माइनस m1 इंटू g और बटा में m1 प्लस m2। चलिए, अब वैल्यू लिख करके सॉल्व करते हैं। तो भाई, m2g का मतलब हो गया, बड़े वाले ब्लॉक की बात किए हैं तो m2 का वैल्यू हो गया 12, 12 और g होता है 10। माइनस m1 दिया गया है 8 किलोग्राम, तो यहाँ पर 8 और g की जगह पर 10। और बाई टोटल मास, तो m1 हो गया 12 और m2 हो गया 8। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कह सकते हैं कि 120 माइनस 80/20। और अब तो आप समझ रहे हैं कि 120 में से 80 घटेगा तो 40/20। तो यहाँ 20 से ये 42 टाइम्स में कट जाएगा, यानी एक्सीलरेशन ए का वैल्यू कितना आया तो आप लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यानी आपने देखा कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई तो यहाँ पर चेक किया जाए तो देखिए जी बाई फाइव, गौर से ध्यान दीजिए, जी का वैल्यू होगा 10 और बाई फाइव दिया है तो यही कटेगा, तो वैल्यू कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 2 मीटर किसका वैल्यू है तो जी बाई फाइव। देख रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो गया ब जी बाई फाइव विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चित्र में दर्शाए अनुसार 10 किलोग्राम व 20 किलोग्राम के दो गुटकों को एक द्रव्यमान रहित डोरी से जोड़ा गया है तथा चिकनी क्षैतिज पर उन्हें रखा गया है। यदि 10 किलोग्राम के गुटके पर 600 न्यूटन बल आरोपित किया गया है तो डोरी में तनाव होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 100 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 200 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 300 न्यूटन और चौथा ऑप्शन है 400 न्यूटन। तो चलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो चित्र में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ दिखाया गया है कि 10 किलोग्राम व 20 किलोग्राम द्रव्यमान के दो ब्लॉक हैं जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्थित हैं और ये एक डोरी की सहायता से जुड़े हुए हैं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके पर 600 न्यूटन का बल लग रहा है और इसके कारण यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है। भाई बल लगेगा तो चलेगा ही, और आपको निकालना है कि डोरी में तनाव क्या होगा। तो चलिए यहाँ सबसे पहले आपको लिखना होगा कि भाई फॉर्मूला होता है कि F इज इक्वल टू M इंटू ए। तो यहाँ पर यदि ध्यान दिया जाए तो F का वैल्यू हो गया 600 न्यूटन। मास, टोटल मास दोनों ब्लॉक का द्रव्यमान कितना हो गया तो 10 और 20 किलोग्राम है तो जोड़ेंगे तो 30 किलोग्राम, और ए मालूम नहीं है। तो भाई यहाँ से कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 600/30। तो ये 0 से 0 कटेगा और 3 से ये 20 बार में कटेगा, यानी एक्सीलरेशन का वैल्यू निकल चुका है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब कह रहा है दोनों ब्लॉक को जोड़ने वाली डोरी में टेंसर निकालना है। तो पीछे वाले ब्लॉक का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है तो इसका हम लोग अलग से चित्र बना देते हैं 20 kg, और आप जानते हैं डोरी इधर है तो टेंशन भी इधर लगेगा और इसी के कारण ये आगे की ओर जा रहा है। तो भाई यहाँ पर यदि ध्यान दिया जाए तो सूत्र तो वही है कि F इज इक्वल टू M इंटू ए, लेकिन M की जगह डोरी में फोर्स कितना लगा, T के बराबर, तो F की जगह लिखेंगे T इज इक्वल टू M का वैल्यू, यहाँ 20 किलोग्राम है तो 20, और एक्सेलरेशन का वैल्यू तो निकल चुका है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से T इज इक्वल टू 400 न्यूटन। यानी आपने देखा कि दोनों ब्लॉक को जोड़ने वाली डोरी में तनाव का मान कितना आया, 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। तो भाई सही आंसर हो गया द, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का चौथा आंसर जिसका वैल्यू दिया गया है 400 न्यूटन, यानी सेकंड का हो गया फोर्थ, 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे ऊपर के प्रश्न में, यदि बल 20 किलोग्राम के गुटके पर लगाया जाता है तो डोरी में तनाव ज्ञात करें, तनाव का मान क्या होगा। और यहाँ भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है 100 न्यूटन, दूसरा है 200 न्यूटन, तीसरा है 300 न्यूटन और चौथा है 400 न्यूटन। तो भाई इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर भी आप लोग चित्र में देख सकते हैं, चित्र में दिख रहा है वही वाला डायग्राम है, लेकिन देखिए बल जो है 20 न्यूटन वाले ब्लॉक पर लगा हुआ है। तो जब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, पूरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, तब तो आप कहेंगे कि भाई फॉर्मूला लगता है कि F इज इक्वल टू M इंटू ए। चलिए अब F का वैल्यू दे दिया है 600 न्यूटन। हम टोटल मास की, हम टोटल ब्लॉक के विश्लेषण की बात कर रहे हैं तो टोटल मास की बात करेंगे, तो टोटल मास हो गया 20 + 10 यानी 30, यानी M की जगह 30 और A मालूम नहीं है।
तो यहाँ से कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 600/30। तो आप समझ सकते हैं कि 0 से यह 0 कैंसिल और 3 से यह 60 20 बार में कटेगा, यानी ए निकल चुका है 20 m/s². तो भाई हम लोगों ने देखा कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए इज इक्वल टू 20 m/s². और अब चूंकि आपको टेंशन निकालना है तो किसी भी एक ब्लॉक का अलग से डायग्राम बनाएंगे। पिछले वाले में हम लोग 20 बनाए थे, तो चलिए इसमें भी 20 किलोग्राम वाले ब्लॉक का ही डायग्राम बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये ब्लॉक हो गया, मास दिया गया है 20 किलोग्राम, और देखिए इधर की ओर तो फोर्स लगा ही है जिसका वैल्यू है 600 न्यूटन, और डोरी इधर है तो टेंशन इधर लगेगा, और टेंशन को किससे दिखाते हैं, टी से, और इन्हीं दोनों के रिजल्ट के कारण ये मूव कर रहा है, गति कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग फॉर्मूला वही लगाएंगे कि एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ दो फोर्स है, एक 600 और दूसरा टी, तो और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, और चूंकि ब्लॉक इधर की ओर जा रहा है इसका मतलब इधर वाला बड़ा है, तो लिखेंगे कि 600 - t, घटा दिए, इज इक्वल टू यम, तो यम की जगह मास है 20, यानी यहाँ पर 20, और ए निकल चुका है, ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 20, तो ए की जगह 20। अब सॉल्व किया जाए तो 600 - t इज इक्वल टू 400, और टी को इधर और 400 को उधर भेजा जाए तो 600 400 जब इधर आएगा तो -400, और जब टी को उधर भेजेंगे तो माइनस से प्लस, और 600 में से 400 घटेगा तो 200 इज इक्वल टू टी। यानी आपने देखा कि टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 200 न्यूटन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ब 200 न्यूटन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो देख रहे होंगे दिया गया है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति किसी लिफ्ट पर भार मापने वाली तुला पर खड़ा है। यदि लिफ्ट एक समान त्वरण 9 m/s² से ऊपर की ओर जा रही है तो भार मापने वाली तुला का पाठ्यांक क्या होगा? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से पहला है 50 किलोग्राम, दूसरा है 60 किलोग्राम, तीसरा है 95 किलोग्राम, और चौथा है 100 किलोग्राम। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं चित्र में दिखाया जा रहा है कि एक लिफ्ट है जिसमें एक बंदर को हमने बैठा दिया है, चलिए यहाँ व्यक्ति के बदले हम लोग बंदर ही मान लेते हैं, और देख रहे हैं कि यह ऊपर की ओर जा रहा है। तो भाई जब ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेशन दिया गया है 9 m/s², और आपको निकालना है कि इसका भार कितना होगा। तो याद कीजिए ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिफ्ट। तो मान लिया जाए कि यही वो व्यक्ति है जिसका मास यम है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु का भार नीचे लगता है और वैल्यू होता है यम इंटू जी, जबकि जिस सतह पर स्थित है वह रिएक्शन फोर्स भी लगाएगा, और रिएक्शन फोर्स को किससे दिखाते हैं, आर से, और आप देख रहे हैं कि ये ऊपर की ओर जा रहा है जिसका त्वरण हम लोग मान लेते हैं ए। तो कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यफ इज इक्वल टू यम इंटू ए। तो भाई यहाँ यफ के बदले दो फोर्स लगे हैं, एक है आर और दूसरा है यम जी, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, क्योंकि एम जी नीचे लगा है जबकि आर ऊपर लगा है। तो आप जानते हैं कि जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर भी आर में से एम जी को घटाएंगे तो लिखेंगे कि आर माइनस एम इंटू जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। चलिए अब वैल्यू को लिखा जाए तो लिख सकते हैं कि आर माइनस यम का मतलब मास, और मास दिया गया है 15 किलोग्राम यानी 50, और यहाँ जी का वैल्यू है 10 इज इक्वल टू पुनः यम की जगह 50, और एक्सीलरेशन ए का वैल्यू दिया है 9, तो यहाँ पर 9।
अब इसको सॉल्व किया जाए तो कह सकते हैं कि आर माइनस 500 इज इक्वल टू 450, और जब 500 को उधर भेजा जाए तो 450 तो अपने जगह पर रहेगा, वो इधर आएगा तो माइनस से प्लस यानी प्लस 500, और यहाँ से यदि सॉल्व किया जाए तो आर इज इक्वल टू 950 न्यूटन। यानी आपने देखा कि समय जो प्रतिक्रिया बल लगा है वह 950 न्यूटन है, तो मशीन तो इसी को बतलाएगा यानी 950 न्यूटन। लेकिन जब हम लोग मास की बात करेंगे तो 95 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये 10 तो जी का वैल्यू हो गया, तो यहाँ से आंसर क्या मिला, 95 किलोग्राम। देख रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो गया तीसरा, 195 किलोग्राम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी मेज पर एक पुस्तक रखी हुई है, मेज पर पुस्तक की क्रिया एवं पुस्तक पर मेज की प्रतिक्रिया के बीच का कोण क्या होगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पहला है 0 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, तीसरा है 90 डिग्री और चौथा है 180 डिग्री। तो चलिए मान लिया जाए कि यही आपके सामने वो मेज बनाया गया है और इस पर एक बुक को रखा गया है, एक पुस्तक को रखा गया है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु का भार किधर लगता है, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, और वैल्यू होता है एम इंटू जी। सतह रिएक्शन फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर, और इसको किससे दिखाते हैं, आर से। तो देखिए ये एम जी हो गया सतह द्वारा इस पर लगने वाला बल क्रिया, और आर हो गया सतह द्वारा पुस्तक पर लगने वाला प्रतिक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, मतलब एक का डायरेक्शन नीचे और दूसरा का डायरेक्शन ऊपर। तो भाई यहाँ पर इनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। यानी हम लोगों ने देखा कि क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच का कोण यहाँ पर आ चुका है 180 डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो गया चौथा, 180 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दिया गया है,